हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपनी कैलकुलेशन को खत्म कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पेपर में 10 क्वेश्चन में कैलकुलेशन आती है तो मैं ये कह सकता हूं कि आपको 6 क्वेश्चन की कैलकुलेशन आपने नहीं करनी होती। और बच्चा गलती क्या करता है, बच्चा 10 के 10 क्वेश्चन की कैलकुलेशन करता है और वहीं उसका टाइम मैनेजमेंट बिगड़ जाता है। मैं आपको आज एग्जाम्पल दूंगा 3 क्वेश्चन ऐसे जिसमें बच्चे ने कितना टाइम लगाया और हमें उसको किस तरीके से करना चाहिए था और कितना टाइम उसमें लगता। तो चलते हैं अपने एग्जाम्पल पे। पहला एग्जाम्पल देखिए, ये एक प्रश्न है। इस क्वेश्चन में बच्चे ने 45 सेकंड लगा रखा है, मैंने इंग्लिश और हिंदी में दोनों में आपके सामने लगाया है। क्वेश्चन में कह रहा है कॉनिकल कैप है जिसका बेस डायमीटर है 24 और हाइट है 16। अगर उसको हमें कर्व सरफेस एरिया उसका निकालना है और 70 पैसे पर मीटर के हिसाब से खर्चा बताना है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग जो है वो उसकी जो है वो कौन सी है, वो कर्व सरफेस एरिया की है। अब अगर मैं बात करूं, मुझे ये पता है कि कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो पाई आर एल हमारा फॉर्मूला होता है। अब पाई आर एल का मतलब क्या हो गया, एक तो यह है कि उसके अंदर रेडियस, पाई आर एल के अंदर एक तो वैल्यू आ गई पाई, पाई का मतलब 22/7 होता है और 22 के अंदर आता है 11। इसका मतलब अच्छा, ये जो हमारा कर्व सरफेस एरिया है गुणा में 70 करना है, बस बात है ये। और पाई का मतलब 22/7 होगा तो 7 तो कट जाएगा। अब इसका मतलब आंसर एक तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, आपको सोल्व नहीं करना। मैंने जब ये देखा कि पाई की वैल्यू 22 रखनी है और 22 के अंदर 11 आता है तो आंसर 11 का मल्टीपल होगा, तो 11 के मल्टीपल अगर मैं देखूं तो कितने हैं, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ये 9 2 नहीं है, 13 में से 2 गया, 11 मल्टीपल है, ये भी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन ऐसा मिल गया मुझे 11 का मल्टीपल, तो बस ये टिक करना था। और इस प्रश्न में आपको लगते हैं मुश्किल से 15 सेकंड। अगर एक से ज्यादा 11 के मल्टीपल होते फिर मैं ये चेक करता कि रेडियस का मल्टीपल होना चाहिए। और रेडियस क्या होती है, रेडियस तो 12 होती है, डायमीटर अगर 24 है तो रेडियस जो है, रेडियस हमारी 12 होती है, तो आंसर 12 का मल्टीपल होना चाहिए। 12 चौक 48 नहीं कटता, 12 चौक 48 4 बज गया, 44 नहीं कटता, 12 चौक 48 12 चौक 48 12 का मल्टीपल है, 12 चौक 48 और 5 52 नहीं कटता, एक ही ऑप्शन यहां पे 12 का मल्टीपल है। तो इस तरीके से जो है यहां पे आप मल्टीपल चेक कर सकते थे। तो ये एक आपके सामने बेहतरीन तरीका होगा प्रश्न को सोल्व करने का। और ये जो पूरा क्वेश्चन है ये आपका मुश्किल से जो है 15 सेकंड में खत्म हो जाएगा और इस क्वेश्चन में आपके 30 सेकंड बच सकते हैं। मैं यही आपको बताना चाहता हूं कि प्रश्नों को सोल्व करने के तरीके क्या उठाने चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में बच्चे ने 1 मिनट 9 सेकंड का समय लिया है। क्या कह रहा है, एक चुनाव में ए ने वैलिड वोट का 65% लिए, अब जो 25% टोटल वोट था वो इनवैलिड थे। अब हमें बताना है ए ने कितने वोट लिए अगर टोटल वोट 46,000 है। तो अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका, 46,000 टोटल वोट है। पहली बात, जीरो और पॉइंट का हमारी जिंदगी में कोई रोल नहीं होता, तो मैं यहां पे लिखूंगा 46। अब टोटल वोट 46 है, 25% इनवैलिड है तो वैलिड बच गए 75, ये वैलिड वोट है। अब वैलिड वोट का 65 मिला तो इनटू में 65, ये मेरा आंसर आएगा। ठीक है, मैंने जीरो वीरो हटा दी, यहां पे टोटल वोट थे 46,000, 25% इनवैलिड हो गए तो बच गए 75% वैलिड और वैलिड का 65। अब अगर मैं इसकी गुणा करूं तो मेरे सामने यहां पे दिक्कत एक तो आती है, देखो यूपीडी से नहीं कर सकता, 5 5 5 0 नई बात बनेगी यहां पे। दूसरा तरीका है कि मैं यहां पे डीएस लगाऊं, आपको डीएस लगाना आना चाहिए। अगर मैं इसको डीएस लगाऊंगा तो डीएस क्या होगा, देखो 6 और 4, डीएस का मतलब डिजिट का सम होता है, जिसको नहीं पता हो डीएस की वीडियो देख लेना मेरी। 6 और 4 10 यानी 1 मल्टीप्लाई 7 और 5 12, 12 मतलब 3 मल्टीप्लाई 6 और 5 11, 11 मतलब 2। तो डीएस वैल्यू कितनी आई, डीएस वैल्यू 6 आई, तो मुझे ये चेक करना है कि मेरी 6 वैल्यू यहां पे डीएस की कहां मिलेगी। अब पहले मैं क्या करूंगा, इनका टोटल करना चाहूंगा तो 5 और 2 7 और 6 13 और 7 20 और 5 25 25 का मतलब तो 7 होता है, गलत। 5 और 4 9 कट गया, 3 और 3 6 और 2 8 गलत, 7 और 2 9 कट गया, 4 और 1 5 गलत, 5 और 4 9 कट गया, 2 और 2 4 और 6 यहां मैच कर गया, ये आंसर है। एक ही क्वेश्चन ऐसा था जिसमें डीएस हमारा यहां पे टोटल 6 बनेगा। तो कैलकुलेशन आते ही आपने सीधा नहीं लग जाना कि मैं इसका सोल्व करने निकालने लग जाऊं, आपने क्या देखना है, आपने यहां पे ये चेक करना है कि कौन सा तरीका यहां पे ऐसा होगा जो मैं यहां पे लगा सकता हूं। ठीक है, अब इसमें आप एक चीज और कर सकते थे कि अगर मैं मान लो डीएस 1 से ज्यादा होता, अगर डीएस 1 से ज्यादा होता तो मैं ये देख लेता भाई 65 के अंदर 13 आ रहा है, 13 5 65, मैं चेक करता 13 के मल्टीपल कितने हैं। 75 के अंदर तो ज्यादा नंबर नहीं आएगा, 46 के अंदर 23 आ रहा है तो मैं 23 के मल्टीपल चेक कर लेता, मल्टीपल चेक करता अगर डीएस 1 से ज्यादा में सेम होता तो।
ठीक है। तो ये यहाँ पे एक डाउट था बच्चे का जो इसने डिटेल से करा और 1 मिनट 9 सेकंड का समय लिया, लेकिन ये क्वेश्चन आपका 15 से 20 सेकंड में इस तरीके से किया जा सकता है। अब एक प्रश्न और देखो, तीसरा, सुमित ने 6500 रुपए में एक वस्तु खरीदी, 24% के लाभ पर बेची। अब जो उसे पैसा मिला उसने उसे 20% लॉस पर बेच दिया, लाभ या हानि बताओ। अब बच्चे ने लिए 56 सेकंड, यहां पे ऊपर से गलत भी हो गया उसका। अब 56 सेकंड में इसने इसको सोल्व करा है। देखो, अब इसमें आपने एक तो पहले फ्रैक्शन लगाना है, 24% का जो हमारा फ्रैक्शन है, 24% होता है 4/25, 4 पे काटेंगे ना, 6/25, 24% यानी 6/25 यानी 25 से 31। 20% हानि, 20% का मतलब 5 से 4। मल्टीप्लाई करो, शुरुआत वाली वैल्यू 125 आई, आखिरी वाली वैल्यू 124 आई, यानी अगर शुरुआत में 125 का खरीदा होगा तो लास्ट में 124 में बेचेगा, 1 रुपए का हो गया लॉस। पहली बात, प्रॉफिट तो हमारे कट गए, अब या तो 42 रुपए का लॉस या 52 रुपए का लॉस। अब बात यह है भाई, शुरुआत वाली वैल्यू 125 नहीं है, 6500 है। अब बच्चे क्या करेंगे, 125 को 6500 बनाना है तो फटाफट शुरू हो जाएंगे 6500/125 को ना, और काटने लग जाएंगे। एक बात आप ध्यान रख लेना, बहुत काम आती है आपके, कभी भी अगर आपके सामने 5 नंबर आता है तो 5 को मैं 10/2 लिखूंगा, अगर मेरे सामने 25 आता है तो मैं इसको 100/4 लिखता हूं, अगर मेरे सामने 125 आता है तो इसको मैं 1000/8 लिखता हूं, ठीक है। अगर हमारे सामने 125 आता है तो मैं उसको 1000/8 लिखता हूं, ये कैलकुलेशन बहुत काम आएगी। अब मुझे तो ये देखना है 6500/125 क्या है, मुझे ये पता है 125 की जगह मैं क्या लिखूंगा, 125 की जगह मैं 1000/8 लिखूंगा, और ये तो लिखते टाइम आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है, वरना तो दिमाग में सीधा ही आता, अगर नीचे 125 है ना तो सीधा ऊपर 8 से गुणा कर दो, तो 6500 आपका आंसर होगा। 60/8, 8 6 48 और 8 5 40 और यहां पे टोटल कितना आ गया, 520 यानी 52 रुपए वाली वैल्यू आएगी, तो यहां पे जो आपका आंसर है वो 52 रुपए आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। एक तरीका क्या है, एक तरीका ये, अभी 125 को काटेगा बच्चा, 25 5 125, 25 2 50 और बच गया 25 6 का 150, 5 5 25, 5 2 10, 52। ये कैलकुलेशन आपकी बहुत ज्यादा टाइम खाती है, आपको बस ये 3 याद रखने हैं। तो जब मैंने ये देखा 125 को 6500 बना रहा है ना, तो डिवाइडेड में 125 देखना है कितने गुना है, अगर नीचे 125 आया तो डायरेक्ट ऊपर 8 से गुणा कर दोगे, और 8 × 65 करोगे तो वो 520 आएगा, 520 का मतलब 52 रुपए का लॉस। तो ये जो 56 सेकंड का क्वेश्चन है ये आपका 30 सेकंड में हो जाएगा। इस तरीके से आप यहां पे अपना टाइम बचा सकते हैं। तो इस तरीके से मैं आपके सामने वीडियोस लाऊंगा कि क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए और बच्चे करते क्या है, उसी के साथ लाइव एग्जांपल के साथ हम जुड़ते रहेंगे। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा, और कुछ आपकी तरफ से सुझाव हो कि कैलकुलेशन में हमें किस चीज में प्रॉब्लम आती है तो वो भी इस कमेंट में वीडियो के नीचे आपने कमेंट करना है, ठीक है। ओके, बाय बाय।